मुंबई के दहसर पॉलिटिशियन को मिली है सफलता। इस कोरोना काल में फर्जी क्राइम ऑफिसर बनके घूमते थे, लोगों को ठगते थे। उस शातिर अपराधी को और उनकी कार को पुलिस ने लिया अपनी हिरासत में। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। मुंबई से सटे दहसर पुलिस थाने की टीम ने एक ऐसे फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है जो लोगों को ठगता था। इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन के नियम नहीं पालन करने वाले दुकानदारों के साथ ठगी करता था। फिलहाल इस फर्जी पुलिस वाले को और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले को लेकर दहसर पुलिस स्टेशन की टीम आगे की छानबीन कर रही है। दहसर पुलिस के अधिकारी ने कुछ इस तरह से कहा। दहसर पुलिस स्टेशन के एरिया में आनंद नगर एरिया में हमारा फिरियादी रहते हैं, उनका एक पान शॉप है। उनके पान शॉप में एक फर्जी पुलिस वाला आके पुलिस की लाठी और मास्क दिखा के उनको शॉप क्यों चालू रखा ऐसे बोल के उनके साथ उनकी दुकान से सिगरेट और कुछ बीड़ी पान ऐसे लेके जबरदस्ती उसके प्राइवेट कार में डाला और जबरदस्ती फिरियादी को कॉलर पकड़ के उसने कार में बिठा के उसको मीरा भाईंदर रोड पे दिल्ली दरबार होटल के पास लेके गया और उसको चाकू दिखा के उसके जेब में से जबरदस्ती 7,000 रुपये निकाल लिया था और उसको कार में से निकाल दिया कि यहाँ से आप वापस जाओ। तो पुलिस वाले ने हमारे कंप्लेंट ने उनको पूछा कि आप कौन से पुलिस वाले, तो उन्होंने बोला कि हमें क्राइम ब्रांच से। जब फिर कंप्लेनेंट वापस घर पे आया तो उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो उसने एरिया में इंक्वायरी की ऐसा कोई साहब है क्या क्राइम ब्रांच में। जब उसका उसको कंफर्म हो गया कि वो कोई पुलिस वाला नहीं था तो उन्होंने दहसर पुलिस स्टेशन में आके उनके साथ जो वारदात हुई उसको उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया। ये कंप्लेंट दर्ज करने के बाद नॉर्थ रीजन सर हमारे दिलीप सावंत सर और जोन 12 के DCP स्वामी सर और सीनियर PI प्रवीण पाटिल सर, इन्होंने इस बात को सीरियसली लेते हुए हमारी एक टीम बनाई और इस पर तुरंत एक्शन लेने की उन्होंने डायरेक्शंस दिए। ये वारदात में जो प्राइवेट कार उन्होंने यूज़ किया था आरोपी ने, ये प्राइवेट कार के हमने हमारे एरिया के जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू कैमरे लगाए हैं या प्राइवेट कैमरे हमने चेक किए, उसमें से हमने वो कार की डिटेल्स निकाली, कार का नंबर हमने वहाँ से ढूंढ के निकाला और उसके अलावा भी हमने जो भी एरिया में कैमरेज लगे वो कैमरेज पे पढ़ाई की तो हमें पता चला कि वो वसई के थ्रू वसई के साइड में निकल गया है और मीनवाइल हमने गाड़ी के नंबर से भी उसको ट्रैक करने की कोशिश की, तो ये गाड़ी वसई में चल रही थी हमें पता चला और हमारी टीम ने उसको ट्रैप लगा के उनको पकड़ लिया। उनसे अभी तक पुलिस का मास्क, पुलिस का सिम्बॉल का मास्क और पुलिस की जो फाइबर की लाठी है और चाकू बरामद किया है और जो भी फिरियादी का जो भी अभी मालमत्ता उसने जबरी से चोरी किया है उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। हाँ, आरोपी का मोडस ऐसा है कि अभी जो महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने जो भी लॉकडाउन के नियम जारी किए है वो हिसाब से 7 से 11 बजे तक नेसेसरीज दुकान चालू रहने की रूल्स है, तो ये आरोपी 2 बजे से अपना काम चालू करता है और पुलिस का मास्क और फाइबर की लाठी यूज़ करके जो भी छोटे मोटे उद्योग है जैसे कि पान बीड़ी शॉप है, छोटे दूसरे भी उद्योग है, तो उनके पास जाके आप धमकी देके उनसे एक्सटॉर्शन करता है। हम तो देश के जनता से इतनी ही अपील करेंगे, अगर आपके साथ इस कोरोना काल में कोई फर्जीवाड़ा करता है तो आप लापरवाही ना करें, पास के पॉलिटिशियन में जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं। इंडिया आज के लिए सलाम काजी।